विश्व हिंदू परिषद लीडर अशोक सिंघल रिमार्क्स दैट फर्स्ट टाइम इन लास्ट 800 इयर्स अ प्राउड हिंदू हैज गॉट द रेंस पावर इन हिज हैंड इज इवोकिंग शार्प रिएक्शन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज टेकिंग एक्सेप्शन एट हिज कॉन्ट्रोवर्सियल रिमार्क्स जेडीयू लीडर अली अनवर सेड दैट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम पाकिस्तान दैट थियोक्रेसी कांट रिमेन यूनाइटेड एंड एडेड दैट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन शुड स्टॉप ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ थियोक्रेटिक स्टेट इस मुल्क में कभी भी हिंदू सरकार और मुस्लिम सरकार नाम से कोई सरकार नहीं रही। वैसे जो इस तरह के कम्युनल माइंड सेट वाले हिस्टोरियन हैं उन्होंने हिंदू काल और मुस्लिम काल में बांटा है इतिहास को, लेकिन उसको मैं गलत मानता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हिंदुस्तान को धर्म आधारित राज्य जो पाकिस्तान में बना इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, उसका जो हश्र है उससे सीखना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी लोगों को सीखना चाहिए कि जब धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बनता है तो एकजुट नहीं रहता है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बदल जाता है। परिकल्पना है BHP की, RSS की हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो परिकल्पना अगर वाकई हमारा देश अभी तो संविधान के अनुसार है जी। वो सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक देश है और समाजवादी समाज बनाने की परिकल्पना है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है। लेकिन वो इस तरह की बात उनके आइडियोलॉजी में है तो देश इससे एकजुट नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को, खास करके जो जितने बड़े लोग हैं उनको जन्मदिन वगैरह अपना बहुत सादगी से मनाना चाहिए और इसमें कहाँ किसी को इनकार हो सकता। सर वहीं दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया आजम खान जी से कि एक पैसा कहाँ से आया तो उन्होंने बोला तालिबान से आया है, दाऊद ने दिया है। देखिए दरअसल वो बात खींच कर के बोल रहे होंगे, असल वो जन्मदिन मुलायम सिंह जी का मनाने के साथ साथ अपनी मोहतरमा जो मैडम जो राज्यसभा में आई हैं तो उस खुशी को भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पावर्ड बाय NNIS।